आदमी में, राजनीति विज्ञान में एक दो बुक है आपको, जो दूसरी बुक है भाग वा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो बुक का नाम जो भाग दो है वो है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत, अभी आपने संविधान के बारे में पढ़ा और भी चुनाव के बारे में पढ़ा, किस प्रकार चुनाव होते हैं। तो जो राजनीतिक सिद्धांत में जो अध्याय एक है वो है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो ये राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीति शास्त्र का एक विषय है और ये सिद्धांतों को पढ़ना क्या है बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जो उसमें विवेक है और वो अपनी गतिविधियों को, अपने कार्यों को क्या कहें कि अपने संवाद के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सरकार को सहायता कर सकते हैं, सरकार का अर्थ समझ सकते हैं। तो राजनीति के विभिन्न अर्थ यहाँ पर बताए हुए हैं कि राजनीति को कभी विज्ञान के रूप में माना गया है, क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान में क्रम से अवलोकन, निर्णय, विश्लेषण, खोजबीन होती है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, अन्वेषण, खोज की जाती है, वैसे ही राजनीति विज्ञान में भी होता है और फिर हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो शोध मतलब अन्वेषण होता है और रिसर्च होती है, तो इसलिए राजनीति को हम यह मान लेते हैं एक विज्ञान। राजनीति को एक कला के रूप में भी मानते हैं, कला को इसलिए मानते हैं क्योंकि विज्ञान व कला के विभाजित करने वाली रेखा बहुत ही बारीक है। तो राजनीतिक क्षमता वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाने से आती है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें राजनीति में हमें सृजनात्मक होती है, उसमें कला की क्या पाई जाती है, इसलिए राजनीति को कला के रूप में भी मान सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान और कला का क्या है मिश्रण, ये मतलब ऐसे अर्थ विद्वानों ने बनाया होता है। ऐसे आजकल वर्तमान में हम राजनीति को एक आदर्श के रूप में मान सकते हैं, हमारा मतलब है एक आदर्श देश, देश मतलब एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है जहाँ पर व्यक्ति अपना आदर्श जीवन स्वतंत्रता और नियम पूर्वक रह सके। परंपरागत दृष्टिकोण मतलब जो पुरानी पद्धति है उससे भी शासन हो सकता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण से भी हम राजनीति विज्ञान राजनीति को पढ़ सकते हैं। ये सब मिला जुला कर एक सामंजस्य प्रक्रिया है। एक उदारवादी जो विद्वान है वो सामंजस्य की प्रक्रिया बतलाते हैं, एक मार्क्सवादी है जो रूसो वगैरह हैं, ये राजनीति को नियंत्रण और उत्पादन के साधनों के रूप में देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति की हमें विभिन्न अर्थ विभिन्न विद्वानों द्वारा बताए हुए हैं। अब राजनीति और राजनीति विज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। राजनीति क्या है कि एक समाज में शक्ति है, संघर्ष उसकी उपज है, और राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति क्रियाओं का एक शैक्षणिक क्षेत्र होता है। जो विषय पढ़ते हैं हम राजनीति पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं राजनीति शास्त्र, जिसमें हम राजनीतिक क्रियाओं का क्या करते हैं एक क्रम से क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो राजनीति विज्ञान उसमें थोड़ा सा ये प्रमुख पॉइंट बताए हुए हैं कि राजनीति एक क्रिया है और राजनीति शास्त्र उस क्रिया का क्रमबद्ध ज्ञान है। दोनों का जो उद्देश्य है वो क्या है थोड़ा सा अंतर होता है। और तो राजनीति का जो उद्देश्य है वो शक्ति या सत्ता को प्राप्त करना है। आप देखते हैं चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक। और राजनीति शास्त्र जो एक विषय है उसका जो उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त करना है और हमें अच्छी नागरिकता की शिक्षा भी प्राप्त होती है, ये अंतर है। और तीसरा अंतर है राजनीति शास्त्र राजनीति का एक सेक्शन क्या है कौशल। मैंने पहले भी बताया कि जो उसके बारे में जो हम क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार ये एक शैक्षणिक हुआ है। फिर दोनों अलग अलग पेशा है। राजनीति
पेशेवरों को राजनीति और राजनीतिक शास्त्र के पेशेवरों को राजनीति शास्त्र कहा जाता है। तो जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उनको कोई वैज्ञानिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो राजनीति शास्त्र है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो जितने भी सिद्धांत हैं, समानता, स्वतंत्रता, नागरिक कर्तव्य, उनके लिए हमें विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी है। और दोनों की जो विधियां हैं उनमें भी क्या है, अंतर है। जो राजनीति है, राजनीति के एक व्यवहारिक है और वो संघर्ष करता, उसमें विजय पा सकता है, आप चुनाव वगैरह देखते हैं ना उसमें। और इस प्रकार राजनीति विज्ञान में घटनाओं का हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेते हैं। और मूल्यों के संबंध में दोनों के दो दृष्टिकोण, राजनीति में मूल्यों को महत्व दिया जाता है, राजनीतिक नीतियों का निर्माण करते हैं, उस समय वो परंपरागत जनता की भावनाएं, कमजोर वर्ग का कैसे कल्याण होगा, और जो भी शब्द आते हैं सिद्धांत में, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्म निरपेक्षता, उनका ध्यान रखते हैं। और जो राजनीतिक विज्ञान है वो मूल्य निरपेक्ष होता है, समझता है। इनके बाद राजनीतिक और राजनीतिक शास्त्र को कभी कई लोग एक मानते हैं और कई लोग इसके एक सिक्के के दो पहलू मानते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है वो एक क्रमबद्ध ज्ञान है, और जो राजनीति है वो क्या है, एक दैनिक क्रिया है और उसका सरकार के द्वारा उसमें वो नियम आ जाते हैं। अब हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, हमें ये भी देखना कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे। तो सिद्धांत का जो अर्थ होता है वो होता है थ्योरी। इस प्रकार हमें देखना है कि वो विचार और नीतियाँ व्यवस्थित रूप से हम पढ़ते हैं, इसमें सामाजिक जीवन के बारे में बताया हो, सरकार के बारे में बताया हो, संविधान के रूप में शामिल हो, और भी जो हमारे समाज में प्रचलित जो शब्द हैं जिनके कारण हम समाज में रहते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, ये सब अखबार छपे हो, इन सबके बारे में हमें इस राजनीति सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। कानून का राज, सरकार के कैसे कानून होते हैं, किस प्रकार अधिकारों का बंटवारा होता है, आपने देखा ना आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है, प्राप्त है, उसके बाद भी आप देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। तो व्यवहार और सिद्धांत में थोड़ा सा क्या है, अंतर पाया जाता है। ये बोलते हैं बाल श्रम नहीं होना चाहिए 14 वर्ष से कम, लेकिन सिद्धांत में है, लेकिन व्यवहार में कहीं कहीं होता भी है कि 14 साल से कम बच्चों को उनसे काम करवाया जाता है। तो ये विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के साथ राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे वर्तमान राजनीतिक अनुभव, जो वर्तमान में जैसी स्थितियाँ होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उन पर क्या करते हैं, अपनी संभावनाएं और अपना रुझान में रुचि प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में संविधानवाद पढ़ते हैं, सरकारों के प्रकार आप पढ़ चुके हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधि का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता, इन शब्दों के जितने भी ये अवधारणाएं हैं इन सब के बारे में हम इस राजनीतिक सिद्धांत वाले में हम पढ़ेंगे। अधिकार, नागरिकता क्या है, राष्ट्र राज्य, राष्ट्रीयता क्या है, परिसीमन क्या है, आणविक शस्त्रों का परिसीमन क्या है कि एक राष्ट्र कितनी अपनी अणुबम परमाणु बम की क्षमता का प्रयोग कर सकता है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी हम पढ़ सकते। राजनीतिक सिद्धांत का जो विषय है वो राजनीतिक विज्ञान के तथ्यों और दर्शन दोनों से क्या है, संबंधित। हमने पढ़ा राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ेंगे, तब जो सिद्धांत है और जो व्यवहारिक है उसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है।
क्योंकि हम हमें अधिकार प्राप्त हैं, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, लेकिन हमारे कुछ अधिकार और स्वतंत्रता नियमों से बंधे हुए हैं। जैसे हम बात करें समानता की, तो राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है, समानता नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में क्या समानता है कि जो लोग 18 साल के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, ये एक समानता है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि इतना की संपत्ति सबके पास होनी चाहिए, ये स्वतंत्र है। संविधान में हमें स्वतंत्रता की गारंटी मिली है, प्राप्त है, लेकिन हम देखते हैं कि हम तो भी हम कई चीज़ों के लिए हमें लड़ना पड़ता है, इसलिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार पुनर्व्यवस्था के उसमें दिया गया है, मौलिक अधिकारों का पुनर्नियोजन किस प्रकार हम उसको फिर से निरीक्षण कर सकते हैं। सबको आजीविका का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, लेकिन न्यायालय में कभी कभी इस चीज की भी पुनर्व्याख्या की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में सैद्धांतिक और व्यवहारिक में अंतर है। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, यही पढ़ना है हमें राजनीतिक सिद्धांत में, ये जो सिद्धांत लिखे हुए हैं और असल में उनको बहुत मुश्किल होता है व्यवहार में उतारना, उसकी जो यथार्थता है वो थोड़ा सा भिन्न है। जैसे गरीबी, महिलाओं की दीन स्थिति, कहीं पर सामंती प्रथाएं, संविधान में हमें ये अधिकार दिए गए हैं जो सबसे हमें मुक्त होना है, लेकिन हम देखते हैं कि कार्य रूप में कहीं पर ही पाते। ये इसलिए समानता का सिद्धांत हमें अपनाना है और सभी को समान अवसर की समानता दी जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से विकलांग, वृद्ध, बुजुर्ग, तो इसमें समानता का सिद्धांत हमें कई बार असफल हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से भी समानता नहीं है, जैसे दिन भर मजदूरी करते हैं, इतना नहीं कमा पाते कि वो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सके, तो उस समय सिद्धांत का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो समानता का अर्थ हमें देखना है कि जो स्वयं हमारे लिए है, फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया, तो हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत क्या करते रहते हैं उसको मानते रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समानता के लिए जैसे गरीब हैं उनके बच्चों में दोपहर का भोजन दिया जाता है, मतलब उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समानता की सभी बच्चे पढ़ाई करें, उनको समानता दी जाए, उनके ऊपर यदि आर्थिक समस्या है तो इस प्रकार हमारे सरकार द्वारा योजनाएं चालू की गई हैं। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि सैद्धांतिक और इसमें थोड़ा सा अंतर है।